हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सिंगल स्क्रीन सिनेमाज की, महाराष्ट्र के सिंगल स्क्रीन सिनेमाज की, और पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से उनकी क्या हालत है, क्या मजबूरियां है, क्या डिफिकल्टीज है, इन सब के बारे में। दोस्तों, आप तो जानते हैं लॉकडाउन से सारे बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं, एडवर्सली अफेक्ट हुए हैं, और सिनेमा बिजनेस कोई एक्सेप्शन नहीं है। बहुत सारे बिजनेसेस को गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि वो शुरू कर सकते हैं, शुरू हो सकते हैं, लेकिन सिनेमा घर अभी तक बंद है, चाहे वो मल्टीप्लेक्सेस हो या सिंगल स्क्रीन सिनेमाज। इंडिया के सारे सिनेमाज अभी भी बंद है। विदेश में भी लॉकडाउन था, लेकिन अलग अलग कंट्रीज ने परमिशन दी है सिनेमाज को खोलने की। तो कुछ कंट्रीज में सिनेमाज खुल गए हैं, कुछ पार्टली खुले हैं, लेकिन इंडिया में एक भी सिनेमा नहीं खुला है। और ऑफकोर्स इसके कारण है, गवर्नमेंट के खुद के रीजंस हैं। और जहां गवर्नमेंट कह रही है कि 25% ऑफ द कैपेसिटी से खोलने की परमिशन देगी, वहीं सिनेमा वाले डिमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम 50% हमें अलाउ कीजिए, 50% ऑफ द कैपेसिटी, नहीं तो सिनेमा को रन करना मुश्किल हो जाएगा। आप तो जानते हैं सिनेमाज के बहुत फिक्स कॉस्ट होते हैं, और ऐसे में कम से कम 10-20% सिनेमाज उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है इन दिस लॉकडाउन पीरियड। हमारा ये कहना है कि कम से कम 10-20% ऑफ द सिनेमाज अब वापस खड़े ही नहीं हो पाएंगे। अन्य क्षेत्र के बिजनेसेस की तरह इनका बिजनेस भी हमेशा के लिए बंद हो गया है। और ऐसे ही एक सिनेमा के बंद होने की सूचना हाल ही में आई है, और वो है सेंट्रल प्लाजा सिनेमा मुंबई में। जो मुंबई में रहते हैं उन्हें ये पता है कि साउथ मुंबई में, स्पेसिफिकली गिरगांव में ये सिनेमा है, और सालों से ये सिनेमा खड़ा है। बहुत सारी फिल्मों ने यहाँ पर 100 दिन पूरे किए, सिल्वर जुबली मनाई, गोल्डन जुबली मनाई, खूब जुबलियां मनी। ऑफकोर्स धीरे धीरे जब मल्टीप्लेक्सेस आए, ये सिनेमा का इंपॉर्टेंस कम होते गया, लेकिन 1960s, 1970s, 1980s, यहाँ तक कि 1990s तक इस सिनेमा का बहुत ही सिग्निफिकेंस था, बहुत ही इम्पोर्टेंस था। पता है, जो ट्रेड में नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि मुंबई शहर में, जैसे दिल्ली शहर में, एक मेन सिनेमा होता है और बाकी अलग सिनेमाज होते हैं। मेन सिनेमा वो सिनेमा होता है, मल्टीप्लेक्सेस के आने से पहले मेन सिनेमा वो हुआ करता था जहां पर जो फिल्म लगती थी, जब तक उस शहर में वो फिल्म चलती थी, अलग अलग सिनेमाज में अलग अलग हफ्तों के लिए चलती थी, लेकिन मेन सिनेमा में कंटिन्यूस रन होता था। यानी अगर बांद्रा से खार, खार से सांता क्रूज, सांता क्रूज से अंधेरी, फिल्म शिफ्ट होती गई सिनेमाज में, लेकिन जो टाउन में साउथ मुंबई में सिनेमा होता था वो मेन सिनेमा होता था, और जब तक वो सिनेमा में फिल्म मुंबई शहर में चल रही है वो सिनेमा कॉन्स्टेंट था, वहां से फिल्म नहीं उतरती थी। तो सेंट्रल प्लाजा भी एक मेन सिनेमा था, और इसलिए इस सिनेमा के बंद होने की खबर ट्रेड वालों को दुखी कर रही है। ट्रेड वाले बहुत बहुत अनहैप्पी है कि एक लैंडमार्क सिनेमा बंद हो रहा है। लेकिन सिंगल स्क्रीन सिनेमाज की हालत वाकई में बहुत खराब है। सिंगल स्क्रीन सिनेमाज ने वीडियो और टेलीविजन का ऑपोजिशन विदस्टैंड किया। सालों बाद मल्टीप्लेक्सेस आए, और आप तो जानते हैं आजकल सब प्रेफर करते हैं कि मल्टीप्लेक्सेस भी देखें, बिकॉज मल्टीप्लेक्सेस आलीशान होते हैं, एसीज फुल ब्लास्ट पर चलते हैं, सफाई ज्यादा होती है। इसका ये मतलब नहीं कि सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में एसी नहीं चलते हैं या सफाई नहीं होती है, लेकिन जनरल माइंडसेट लोगों का ये हो गया है कि जो कंफर्ट्स और लग्जरीज हमें मल्टीप्लेक्सेस में मिलेगी वो शायद सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में नहीं मिलेगी। और इसलिए जो सिनेमाज, जो सिंगल स्क्रीन सिनेमाज मल्टीप्लेक्सेस का ऑपोजिशन फेस नहीं कर पाए वो बंद हो गए। अलोंग द वे सिंगल स्क्रीन सिनेमाज बंद होते गए, मल्टीप्लेक्सेस बढ़ते गए। लेकिन ये जो लॉकडाउन हुआ है, 5 महीनों से इंडिया में लॉकडाउन है, अलग अलग स्टेट्स ने लॉकडाउन खोल दिया है, लेकिन ओवरऑल लॉकडाउन की फीलिंग है एंड सिनेमाज अभी तक कहीं नहीं खुले हैं, चाहे वो लॉकडाउन है या नहीं है उस प्रांत में, लेकिन सिनेमाज किसी प्रांत में नहीं खुले हैं। और ऐसे में सिंगल स्क्रीन सिनेमाज का वापस खड़ा होना थोड़ा क्वेश्चनेबल हो गया है, और स्पेशली वो जो बॉर्डरलाइन केसेस थे, यानी उनकी प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन पैशन की वजह से उनके ओनर्स उन सिनेमाज को चला रहे थे, जैसे कि सेंट्रल प्लाजा सिनेमा। एक बार सेंट्रल प्लाजा सिनेमा में आग भी लगी थी, लेकिन फिर वो खड़ा हो गया क्योंकि उनके ओनर्स जो है वो बहुत पैशनेट थे कि हमारा सिनेमा बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से इतने लॉसेस सामने नजर आ रहे हैं कि बहुत से सिंगल स्क्रीन सिनेमाज की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो वापस अपने ऑपरेशन शुरू करें, जब भी गवर्नमेंट परमिशन दे। कब परमिशन देगी ये नहीं पता। रूमर्स है कि शायद 15 सितंबर से सिनेमाज को खोलने का परमिशन मिल जाए, लेकिन सेंट्रल प्लाजा सिनेमा ने यह तय कर लिया है कि अब वो सिनेमा नहीं खुलेगा। सेंट्रल प्लाजा सिनेमा 1967-68 में के मोदी से प्रहलाद दोषी और गणेश जे वर्तक ने खरीदा था, और आज भी दोषी फैमिली और वर्तक फैमिली इस सिनेमा को ओन करती है।
के मोदी साहब, मैं बता दूं, उनकी एक कंपनी थी वेस्टर्न इंडिया थिएटर्स लिमिटेड। ये पहली इंडिया की पहली एग्जीबिशन ट्रेड की लिमिटेड कंपनी थी। आज हम बात करते हैं पीवीआर, आईनॉक्स वगैरह वगैरह, लेकिन उस जमाने में भी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी सिनेमा ओन करती थी। एंड इस कंपनी के बहुत सारे सिनेमास थे जिनमें से सेंट्रल प्लाजा, दोशीज और वर्तक्स ने खरीद लिया। और सिनेमा के कई एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो 1966 से उस सिनेमा के साथ जुड़े हैं, उस सिनेमा में ही काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो आप सोचिए ओनर्स की, सिनेमा ओनर्स की क्या हालत होगी जब ऐसे एम्प्लॉइज को बुलाकर उनका अकाउंट सेटल किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि अब ये सिनेमा एग्जिस्ट नहीं होगा। हाल ही में गंगा जमुना सिनेमाज जो तारदेव, मुंबई में ही तारदेव में है, उनको भी डिमोलिश किया गया, लेकिन दैट हैज नथिंग टू डू विद कोविड। वो करीब 18 साल से बंद ही थे, ट्विन सिनेमाज हैं, बंद ही थे, और उस सिनेमा, उस ट्विन सिनेमा का स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इतना डेंजरस था, डाइलैपिडेटेड हो गई थी वो बिल्डिंग। इसलिए बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यह तय किया कि इस सिनेमा को डिमोलिश करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ऐसी कोई अनहोनी नहीं हो जाए, बिल्डिंग गिर जाए और कुछ लोग अंदर फंस जाए, कोई मौत हो जाए, इससे बेटर है कि ये डिमोलिश होना चाहिए, और उसका डिमोलिशन वर्क ऑलरेडी चल रहा है। तो दैट हैज नथिंग टू डू विद कोविड। लेकिन कोविड के कारण आप ऐसे बहुत से और भी केसेस सुनेंगे, मल्टीप्लेक्सेस भी, कुछ मल्टीप्लेक्सेस भी शायद खुल नहीं पाए, लेकिन सिंगल स्क्रीन सिनेमास के लिए वापस रीओपन होना ज्यादा मुश्किल होगा। यहां पर मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक रूल था जिसके तहत कोई भी सिनेमा अगर डिमोलिश होता है तो उस लैंड पर 30% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी वाला एक नया सिनेमा खोलना जरूरी था। उसके अलावा लैंड पर कोई और एंटरप्राइज आ सकता था, कोई बिजनेस शुरू हो सकता था, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, लेकिन 30% सीट्स एक सिनेमाघर में होनी चाहिए और वो सिनेमाघर उसी लैंड, उसी प्रॉपर्टी पर खड़ा होना चाहिए। ऑफ कोर्स अब ये रूल थोड़ा चेंज हो गया है, अब मिनिमम 150 सीट्स होनी जरूरी है एंड 30% ऑफ द सीट्स की जगह 200, आप 200 सीटर सिनेमा बना सकते हैं, लेकिन सिनेमा बनना जरूरी है। ऐसे में अप्सरा सिनेमा हुआ करता था ग्रैंड रोड पर, मुंबई में ग्रैंड रोड पर, तो वहां पर एक अलग बिल्डिंग आ गई है, लेकिन 30% ऑफ द एरिया सिनेमा के लिए ईयरमार्क्ड है, वहां पर कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो 30% ईयरमार्क नहीं होता तो वहां पर कोई बिल्डिंग नहीं आ सकती थी। ऑफ कोर्स ये बहुत ही आउटडेटेड लॉ है और अभी मल्टीप्लेक्सेस के आने के बाद इस लॉ की कोई जरूरत नहीं है। पहले के जमाने में क्या था, सिनेमास की कमी थी, अब तो आए दिन हम सुनते हैं नया मल्टीप्लेक्स आ रहा है, इसलिए दिस लॉ इज आउटडेटेड। और इस वजह से जो एग्जिबिटर्स के एसोसिएशन है, यानी सिनेमा के एसोसिएशन है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ अब ये पॉइंट उठा रहे हैं कि ये लॉ को आपको, ये कानून को आपको बदलना होगा, क्योंकि पैंडेमिक के बाद बहुत से सिनेमा ओनर्स अपने सिंगल स्क्रीन सिनेमास को खोलने की शक्ति नहीं रखेंगे और उन पर ये 30% वाला कानून लागू करना थोड़ी ज्यादती हो जाएगी उनके साथ, क्योंकि वैसे भी पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो अब एसोसिएशन लेवल पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ ये बातचीत हो रही है, पता नहीं ये कानून बदलेगा या नहीं बदलेगा, लेकिन इन द मीन टाइम सेंट्रल प्लाजा की तरह हम महाराष्ट्र के और भी सिनेमास के बंद होने की खबर सुनेंगे। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो, जहां पर हमने सिंगल स्क्रीन सिनेमास की दुर्दशा जो हुई है लॉकडाउन की वजह से, कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जैसा मैं हमेशा कहता हूं इन दिनों, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।